अमरनाथ जैसा शिवलिंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इस देश में भी है। श्रद्धालुओं की लगी रहती है भीड़। भारत में आपको सभी शहरों में कई शिव मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनमें 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व सबसे अधिक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान है। हमारे देश में अमरनाथ यात्रा का भी बहुत महत्व है। इस जगह की मान्यता इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि यहाँ स्वयं बर्फ में प्राकृतिक शिवलिंग बन जाता है। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि अमरनाथ के शिवलिंग से कई गुना बड़ा शिवलिंग जैसी आकृति कहीं और भी है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। उस जगह के बारे में बताने से पहले हम आपको अमरनाथ शिवलिंग बनाने की पौराणिक कथा संक्षिप्त में बता देते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 5000 साल पहले इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी, इसलिए ये जगह इतनी महत्वपूर्ण बताई गई है। इस गुफा में दो कबूतरों का जोड़ा भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि ये कबूतर का जोड़ा अमर है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव अमर होने की कथा माता पार्वती को सुना रहे थे तो इन दो कबूतरों के जोड़े ने भी इस कथा को सुन लिया था। कबूतर की अमरता के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमरनाथ के पूरे इलाके में भारी बर्फबारी होती है और इतनी ठंड के बावजूद ये जोड़ा हमेशा यहाँ मौजूद रहता है। अमरनाथ गुफा के बारे में ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि यहाँ आने वाले हर भक्त को मोक्ष प्राप्त होता है और मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के एक शहर साल्सबर्ग के पास एक 40 किलोमीटर लंबी हीम गुफा है जिसमें प्राकृतिक शिवलिंग की आकृति हर साल बनती है। खास बात यह है कि यहाँ स्थित शिवलिंग की आकृति अमरनाथ गुफा में स्थित शिवलिंग की आकृति से काफी बड़ी है। ये शिवलिंग वर्फेन की गुफा में स्थित है। इस गुफा में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर तक सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि श्रद्धालु आसानी से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। इस गुफा की ऊंचाई लगभग 55 से 60 फुट है और शिवलिंग की ऊंचाई 75 फीट है। बताया जाता है कि ये दुनिया की सबसे लंबी हिम गुफा है। यहाँ शिवलिंग के दर्शन करने का समय मई के महीने में शुरू होता है और ये अक्टूबर तक चलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।